दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डी लिंक के नए राउटर के बारे में बात। इसका करेंगे फुल रिव्यू। और ये जो राउटर है ये काफ़ी लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों। ये जो राउटर है ये काफ़ी नया राउटर है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2021 में। और इसका जो मॉडल है फुल मॉडल वो है डी लिंक AX1500R15 Eagle Pro AI। ये सिर्फ राउटर नहीं है, ये 2-in-1 डिवाइस है राउटर के ही प्राइस में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, नया भी आया है और आपके लिए ये काफ़ी बेस्ट होने वाला है। क्यों ये आपको रिव्यू में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू को दोस्तों। तो ये जो रिव्यू वीडियो है इसको मैं थोड़ा सिंपल भी रखने वाला हूँ, क्योंकि जो पुराने वाईफाई की जितने भी मैंने वीडियोस बना रखी है वाईफाई के बारे में उसमें कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो गया था, तो सब लोगों को फिर समझ नहीं आता। इसलिए मैं आज थोड़ा सिंपल में रखने वाला हूँ। तो जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो सिंपल चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन सिंपल लोगों को टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ आती नहीं और कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये राउटर के सभी कंज्यूमर्स को अच्छे से समझ आ जाए इसका रिव्यू। इसलिए जो रिव्यू है उसमें हम सिंपल टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो राउटर है सबसे पहले ये 1500 Mbps तक की स्पीड्स को सपोर्ट करता है और ये न्यू वाईफाई 6 स्टैंडर्ड का राउटर है। 2.4 वाला जो बैंड है, 2.4 वाला नेटवर्क है उस पर ये 300 Mbps तक की स्पीड देगा। और 5 नेटवर्क है जो 5G वाला नेटवर्क है, जी आप समझ गए होंगे गीगाहर्ट्ज़, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैं 5G बोलता हूँ। तो 5G नेटवर्क पे ये 1200 Mbps की स्पीड्स देगा। और ये वाईफाई 6 राउटर है, इसको भी आप ध्यान में रखना। आप इसको वाईफाई 6E के साथ में कंफ्यूज मत कर लेना। वाईफाई 6E में आपको 6 GHz का बैंड भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वाईफाई 6E नहीं है, ये वाईफाई 6 है। तो इसमें आपको 6G वाला नेटवर्क नहीं मिलेगा। और सभी डी लिंक के राउटर जो लास्ट मैंने प्रीवियस राउटर रिव्यू किया था उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो डी लिंक के राउटर में एक चीज़ अच्छी रहती है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। उसी तरीके से इस राउटर में जो कि नया राउटर है R15, इसमें भी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे से दिया गया है। उल्टा जो प्रीवियस वाला मॉडल था उससे भी ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन इस वाले राउटर में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेरे पास जो मॉडल है जिसका हम रिव्यू करेंगे वो वाइट कलर का है, लेकिन ये ब्लैक कलर मॉडल में भी आता है। और दोनों का ही जो लिंक है वाइट और ब्लैक वाले का बाय लिंक, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और दोस्तों जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि 2-in-1 राउटर है, तो दोस्तों बहुत सारे राउटर सिर्फ राउटर होते हैं, लेकिन ये राउटर नहीं है। ये राउटर के साथ कुछ और भी है, 2-in-1 डिवाइस है। एक ही पैसे में आपको दोनों जो फैसिलिटीज़ है या फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो राउटर है ये राउटर तो है ही है, लेकिन साथ में ये एक्सटेंडर या रिपीटर भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये वाईफाई एक्सटेंडर मोड में भी काम करता है। 2 मोड से इसमें राउटर मोड और वाईफाई एक्सटेंडर मोड, वाईफाई एक्सटेंडर मोड में सिग्नल्स को आगे पहुंचाता है। तो ये एक एक्सेस पॉइंट की तरह भी काम करता है। इसमें जो अगर आप इसको सेटअप करोगे तो वाईफाई के जो नेटवर्क है ऑलरेडी आपके घर में, जो वाईफाई नेटवर्क है आप उसके साथ कनेक्ट करके इसको एक्सटेंडर की तरह यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि ये एक्सटेंडर मोड सपोर्ट करता है, आप इसमें मैश नेटवर्क भी अपने घर में सेटअप कर सकते हो। घर हो या ऑफिस हो, आप इसमें मैश नेटवर्क बना सकते हो। जितना बड़ा रूम है या ऑफिस है उसके हिसाब से आप राउटर, ये जो राउटर है उसको ले सकते हो। चाहे तो उसके साथ एक अलग से सिर्फ वाईफाई एक्सटेंडर भी ले सकते हो या रिपीटर भी ले सकते हो, या आप इसी राउटर को 2-3 लेके आप जो तरीके से जैसे आपको सूटेबल रहेगा आप वैसे भी कर सकते हो। तो इसमें मैश नेटवर्क बनाना पॉसिबल है। और इसमें आपको ओके गूगल एंड अमेजॉन एलेक्सा का भी सपोर्ट है और AI के भी ऑटोमेटेड फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्पीड टेस्ट की। और स्पीड टेस्ट सबको मतलब सब बहुत लोगों को स्पीड टेस्ट ही देखना रहता है, बाकी चीज़ से उनको समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं स्पीड टेस्ट अभी कर रहा हूँ। स्पीड टेस्ट पे ज़्यादा हम ध्यान देंगे क्योंकि उसी से बहुत लोगों को ईजिली समझ आ जाता है, इसलिए हम वही चीज़ फॉलो करने वाले। तो इसको मैंने एक्सटेंडर मोड में यूज़ किया और इसको मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ में कनेक्ट करके एज अ एक्सटेंडर या रिपीटर मैंने इसको यूज़ कर रखा है। तो हम उसको टेस्ट करेंगे। और मैंने स्पीड टेस्ट की यहाँ पे और रिजल्ट्स भी काफ़ी अमेजिंग थे। बहुत सारे डिवाइसेस मेरे घर पे जो है और जो PC है उसमें भी जो वाईफाई है वो 2.4G वाला ही सपोर्टेड है, इसलिए मैंने 2.4G वाले को ही रखा है एक्टिव, बाकी को मैंने एक्टिव नहीं रखा, 2.4G को ही मैंने यूज़ कर रखा है। तो मैंने जितने भी टेस्ट हुए उन सब में मैंने ये नोटिस किया कि जो स्पीड्स है वो 90-95% मुझे एकदम एक्यूरेट मिल रही थी और जितनी होनी चाहिए उतनी मिल रही थी। यानी मैं उसको मोबाइल में जितनी मेरे को स्पीड मिल रही थी उतनी सेम स्पीड मुझे 90-95% इस वाईफाई राउटर को एज अ एक्सटेंडर यूज़ करने में मिली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्पीड टेस्ट में, वो ये है कि जो मेरा फ़ोन है उसका जो चीज़ है वो नेटवर्क पे डिपेंड करेगा। वाईफाई ये एक्सटेंडर है, ये स्पीड बढ़ा नहीं सकता, ये
जितनी स्पीड आपको मोबाइल में मिल रही है उस प्लेस में, जहाँ पे भी आपने घर में रखा है या ऑफिस में रखा है, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो एक्सटेंडर के लिए, मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करते हो, मोबाइल में जितनी स्पीड मिल रही है उतनी ही ये 90-95% स्पीड हमें देता है ये एक्सटेंडर मोड के थ्रू। ये स्पीड बढ़ा नहीं सकता सिग्नल, ये पूरे घर में फैला देता है अच्छे से, तो आपको सिग्नल का और स्पीड का इशू बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों टेस्टिंग में मैंने पहली बार फ़ोन को किचन में भी थोड़ा दूर से टेस्ट करने की कोशिश की, तो फ़ोन किचन में था और जो राउटर है वो मेन हॉल में था। तो उसके रिजल्ट्स मैं आपको बता दूँ कि राउटर के साथ जब मैंने कनेक्ट किया एक्सटेंडर मोड में, राउटर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर को, तो उसमें जो मुझे डाउनलोड स्पीड मिली वो 3 Mbps की थी और जो अपलोड मिली वो 8 Mbps की। अब मैंने सोचा कि एक और बार हम इसको कैसे कंफर्म करें कि राउटर सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मैंने इस बार फ़ोन किचन में ही था लेकिन कंप्यूटर का जो वाईफाई है उसको मैंने डायरेक्ट मोबाइल के साथ में कनेक्ट किया, यानी मोबाइल के डायरेक्टली हॉटस्पॉट के साथ मैंने उसको कनेक्ट किया। तो डायरेक्ट हॉटस्पॉट से कनेक्शन के जो हमें स्पीड मिली तो वो जो स्पीड थी वो ऑलमोस्ट 90-95% एकदम एक्यूरेट थी। डाउनलोड स्पीड हमें मिली 5 Mbps की मोबाइल के साथ में, अगर वाया एक्सटेंडर मोड के ज़रिए हमें 3 Mbps की मिली डायरेक्ट मोबाइल के साथ में 5 Mbps, और मोबाइल का तो आपको पता है हर एक मिनट बाद स्पीड यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मोबाइल में हर बार स्पीड फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो आपको टेस्ट रिजल्ट्स में नोट करके रखना होगा। एकदम स्टेबल स्पीड हर बार नहीं मिलेगी, मैं मोबाइल इधर उधर करूँगा तो स्पीड में फ़र्क भी आएगा और एक्सटेंडर उतनी ही स्पीड देगा जितना मोबाइल एक्सटेंडर को भेज पा रहा है इस राउटर को, और फिर वो राउटर के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें भी उतनी स्पीड ही मिलेगी। फिर मैंने इस राउटर को एज ए एक्सटेंडर मोड में और टेस्ट करने की कोशिश की, जिसमें मैंने इसमें इस राउटर के साथ कनेक्ट करके मैंने गेम खेला, तो गेमिंग में भी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा और स्मूथ रहा। मुझे पिंग 60-70 आ रही थी, जो कि यूजुअली मुझे मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो भी मुझे आते हैं, मोबाइल में थोड़ा उल्टा ज़्यादा ही आता है 70-80, क्योंकि मोबाइल का हॉटस्पॉट उतना स्ट्रॉन्ग मेरा नहीं है। ये मेरे मोबाइल में नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है, मैंने मैनुअली सेट कर रखा है तब जाके इतनी स्पीड मुझे मिल रही है। अगर मैं मैनुअली ना सेट करूँ, ऑटोमेटिक रखूँ मोबाइल का नेटवर्क, तो स्पीड भी काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए मैंने मैनुअली सेट ट्यून कर रखा है तब जाके मुझे ये स्पीड मिल पा रही है। तो मोबाइल से अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँ तो CSGO में पिंग मुझे 70-80 आता है, लेकिन थ्रू एक्सटेंडर के ये जो राउटर है R15 इसके साथ में मैंने कनेक्ट किया एक्सटेंडर मोड में, तो मुझे पिंग मिला 60-70, और जो ऐसा कुछ पिंग में इश्यूज भी नहीं आया, जैसे पैकेट लॉस होता है CSGO खेलते वक्त या कोई और भी अगर आप गेम खेल रहे हो, तो उसमें नेटवर्क इश्यूज मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। तो दोस्तों गेमिंग में भी अगर आप इसको यूज़ करते हो जैसे मैंने यूज़ किया मोबाइल का, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आपके पास मोबाइल में प्लान है, आपको ब्रॉडबैंड नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो कि राउटर भी हो फ्यूचर यूज़ के लिए और एक्सटेंडर भी हो, तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। और गेमिंग में भी कोई इशू नहीं आया, पिंग स्पाइक होना बीच बीच में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल था और काफ़ी स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस मिला। तो गेमिंग में भी ये राउटर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करा, अगर आपके पास ब्रॉडबैंड हो तो और आपको मज़े आने वाले, क्योंकि मैं तो हॉटस्पॉट यूज़ किया मोबाइल का और मोबाइल नेटवर्क की स्पीड तो काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तार वाला तो आपको स्पीड्स भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बाकी ये वाईफाई 6 राउटर है, तो वाईफाई 6 में जो कनेक्शंस है नेटवर्क के वो ज़्यादा रहते हैं, मैं सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, कनेक्शन ज़्यादा रहते हैं तो आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी और डिवाइस भी आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आराम से हैंडल कर सकते हैं राउटर वाईफाई 6 होने की वजह से। वाईफाई 5 में लिमिटेड नंबर आधा था, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी काफ़ी कम था, तो वाईफाई 5 में आपको उतनी अच्छी स्पीड्स नहीं मिलेगी, वाईफाई 6 राउटर में आपको बेटर स्पीड्स मिलेगी क्योंकि वाईफाई 6 ज़्यादा सिग्नल सपोर्ट करता है, तो इसलिए स्पीड्स है डिवाइसेस है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपको मिलेंगे यूज़ करने के लिए। सेटअप एंड मैनेजमेंट फीचर्स की बात करें तो इसका एक ऐप भी आता है, अगर आपको नहीं पता कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है और आपको नहीं पता कि कंप्यूटर के थ्रू कैसे सेटअप करना रहता है, तो इसका ऐप आता है, आपको वो डाउनलोड करना है बस। ऐप का नाम है ईगल प्रो AI, आप उसको सर्च करो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है, तो आईफोन के लिए या iOS के लिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ईगल प्रो AI। वो ऐप यूज़ करोगे वो खोलते ही आपको सब समझ आ जाएगा, इंस्टॉल न्यू डिवाइस करना है, फिर जो कोड आपको दिया गया बॉक्स के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में उस
QR कोड को स्कैन करना है और आपका डिवाइस सेटअप प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ऐप वाला काफ़ी सिंपल सेटअप है, आप वही करो अगर आपको ज़्यादा एडवांस वाले सेटअप नहीं आते, उसमें आपको सब अच्छे से हो जाएगा। राउटर को सेटअप करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस राउटर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो, उसी के बाद आपको सेटअप चालू करना है। अगर आप वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आप इसको सेटअप नहीं कर सकते, इसलिए वाईफाई राउटर के नेटवर्क के साथ आपको कनेक्शन देना ज़रूरी है, फिर ही आप सेटअप चालू करो, तभी होगा मोबाइल और ब्राउज़र मोड दोनों में। ऐप फीचर्स की बात करें तो ऐप में आपको पेरेंटल कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, आप वेबसाइट्स को भी ब्लॉक या फिल्टर कर सकते हो। तो कुछ वेबसाइट अगर आप डाल दो तो वो वेबसाइट किसी भी डिवाइस में जो भी इस राउटर के साथ कनेक्टेड है किसी में भी नहीं चलेगी। ऐप में आप स्केड्यूल भी कर सकते हो, टाइमर भी लगा सकते हो, कब चालू होना चाहिए कब बंद होना चाहिए, जैसे रात में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, या आप कोई भी स्केड्यूलिंग कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो इसमें। और आप इसी के अंदर से भी स्पीड टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है स्पीड टेस्ट वगैरह में। इस ऐप के अंदर ही स्पीड टेस्ट का फीचर भी दिया गया है। आप इसमें डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हो जो जो कनेक्टेड हुए, और आप यूसेज भी देख सकते हो, वो भी एक्टिव यूसेज। और बाकी ये AI राउटर है, बाकी ये चीज़ अपने आप संभाल लेता है। इसमें AI स्मार्ट कनेक्ट करके फीचर भी है, और ये कुछ बाकी राउटर्स में भी रहता है जो AI नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर डीलिंग के बहुत राउटर्स में है। तो ये जो क्या चीज़ है, ये करती है कि जो भी डिवाइसेस है आपके घर में, जो भी आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हो, तो स्मार्ट कनेक्ट मोड में आप जो डिवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे सही नेटवर्क के साथ में, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। अगर आपका डिवाइस 5G को सपोर्ट करता है, 5G वाईफाई नेटवर्क को, तो 5G में ही इस एक्सटेंडर मोड या राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस सिर्फ 2.4G सपोर्ट करता है तो 2.4G नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 2.4G रेंज के लिए होता है, 5G ज़्यादा स्पीड के लिए होता है। ऑप्टिमाइज्ड है काफ़ी, अपने आप ही सही जगह पे कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क के इस राउटर में, आपको कोई मैन्युअली कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किस डिवाइस में ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए, किस में कम, और जो भी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे AI के मदद से हो जाएगा। और मेरे यूसेज में भी जो भी मैंने टेस्ट किया इसको, काफ़ी अच्छे से चीज़ें मैनेज हो रही थी, और ऐसा मुझे कुछ भी इशू नहीं आया कि मतलब बीच बीच में नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, या ऐसे कुछ भी इश्यूज नहीं आए। बाकी कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 3 GB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, लैन पोर्ट्स। तो अगर आप राउटर मोड में यूज़ कर रहे हो तो आप 3 डिवाइसेस को वायर्ड कनेक्शन में डाल सकते हो, जैसे TV हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। पावर कंजम्पशन की बात करें तो इसमें आपको 12 वॉट का पावर अडेप्टर मिलता है, तो उसका जो पावर कंजम्पशन है वो अप टू 12 वॉट्स का हो सकता है। और जो स्मार्ट कनेक्ट फीचर है, अगर आप उसको ऑफ कर देते हो ब्राउज़र मोड में जाके मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से, अगर आप इसको ऑफ करते हो तो आप 2.4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, और चाहे दोनों में से एक बैंड को ऑफ भी कर सकते हो। जैसे मुझे 5G नेटवर्क का कोई काम नहीं है क्योंकि घर में 5G के इतने डिवाइसेज नहीं है, और ना मेरा PC में जो USB अडेप्टर है वाईफाई का वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैंने 5G को बंद कर दिया था नेटवर्क को मैन्युअली। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी पावर सेविंग्स भी यहाँ पे होगी राउटर में, और जो बिजली है वो फालतू में नहीं जाएगी अगर आपको 5G का काम नहीं है, या अगर आपके घर में सब डिवाइसेस 5G सपोर्ट करते हैं और आपको 2.4G का काम नहीं है, तो आपको 2.4G बंद कर देना चाहिए, या आप उसको लाइटर टास्क के लिए रेंज के लिए रख भी सकते हो। तो आप इसको मैन्युअली एक जो भी बैंड है उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसका स्टार्टअप टाइम की बात करें राउटर की, तो ये 1 से 1.5 मिनट तक लगा लेता है, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट स्टार्ट होने में। तो ये राउटर जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो राउटर है ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ये 2-in-1 डिवाइस है। तो आप इसको राउटर भी चलाओ, और अगर आप राउटर नहीं चला रहे या कभी बदल गया मन, तो आप इसको एक्सटेंडर मोड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें 4 एंटीनास भी है, तो सिग्नल कवरेज काफ़ी अच्छा रहेगा इसका। तो ऐसा नहीं, अगर आप इसको परचेस करते भी हो तो भी आपका पैसा वेस्ट जाएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा पड़ा ही नहीं रह सकता, आप इसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करोगे। तो ये राउटर बिल्कुल रेकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हो, काफ़ी वर्थ इट रहेगा। अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वाइट और ब्लैक दोनों ही मॉडल्स का। बाकी ये राउटर काफ़ी अच्छा है, वाईफाई 6 है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने में फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा, और एक्सटेंडर मोड तो है ही। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था, ये वीडियो अच्छी लगी और राउटर भी अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखना है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।